ओम शांति। हमारा लक्ष्य है अपने जीवन को योग युक्त बनाना। हम चेक कर लें, हम योग युक्त होते जाते हैं या हम योग मुक्त हो गए हैं। हमने अपने लक्ष्य को छोड़ तो नहीं दिया है, क्योंकि इस जीवन का सच्चा सुख योग युक्त होने में है, परमात्म मिलन में है, आत्मविमानी होने में है। जो आत्मविमानी है वही अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हैं, और जो योग युक्त हैं वो सदा परमात्म मिलन का सुख पाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका प्यार अनुभव करते हैं, उनका सुख पाते हैं, उनकी शक्तियां प्राप्त करते हैं, उनके वरदानों से स्वयं को सुसज्जित करते हैं, उन्हें राजी कर देते हैं। तो हम सभी योग युक्त बने, लक्ष्य दृढ़ करें। कार्य व्यवहार तो चलते रहेंगे, जिसको काम काज नहीं है वो भी इधर उधर की बातों में रहते हैं और योग युक्त नहीं हो पाते, ये सब होता रहेगा। परंतु जिसका लक्ष्य दृढ़ हो वो अवश्य कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं और अच्छा अभ्यास कर पाते हैं। विचार कर लें गहराई से, कौन हो सकते हैं योग युक्त? आज दो बातें ले रहे हैं। प्रथम, जिनको देह का आकर्षण न हो, जिनकी दैहिक दृष्टि न हो। यदि आप सारा दिन दैहिक दृष्टि से दूसरों को देखते हैं तो मन न चाहते भी विचलित रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या क्या संकल्प मन में चल गए हैं। जरूरी नहीं विकारों के संकल्प ही चले, अनेक व्यर्थ साधारण अननेसेसरी थॉट्स आपके मन में उठते रहेंगे। इसलिए जिसे योगी बनना हो उसे आत्मिक दृष्टि से दूसरों को देखने का बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहिए। और हम सब जानते हैं ये अभ्यास 5-10 दिन में संपन्न नहीं होगा, ये अभ्यास 1-2 साल में भी पूर्ण नहीं हो जाएगा। 5000 वर्ष का देह को देखने का ही अभ्यास है, इसलिए आत्मिक स्मृति की विशेष धुन लगानी ही पड़ेगी। दूसरा है अनासक्त। जो अनासक्त हैं वही परमात्मा की ओर आकर्षित हो सकते हैं। जिन्हें चार ओर आसक्ति है, खान पान में आसक्ति, शरीर की वस्तुओं में आसक्ति, जो साधन घरों में उपलब्ध हैं उनमें आसक्ति, अपने पद पोजीशन में आसक्ति, धन संपदा में आसक्ति, आसक्ति का अनेक विशाल फील्ड है, स्वरूप है इसके। मनुष्य की आसक्ति अनेक चीजों को देखने पर उनमें हो जाती है, इच्छाएं आसक्ति को जन्म देती हैं, कर्मेंद्रियों का रस आसक्तियों को बढ़ावा देता है। हम इन रसों से स्वयं को मुक्त करें। जो मनुष्य अशरीरी होने का बार बार अभ्यास करते हैं वो इन कर्मेंद्रियों के रसों से और संसार की विभिन्न आसक्तियों से मुक्त होने लगते हैं, क्योंकि अशरीरी होने से कर्मेंद्रियां शिथिल शीतल होती हैं, देहभान छूटने लगता है, उनके रस फीके प्रतीत होने लगते हैं। आंखों का रस, जीभ का रस, मुख से बोलने का रस, कानों से व्यर्थ देखने का रस, इन कानों से व्यर्थ सुनने का रस, इन सब बातों पर विशेष अटेंशन देना है। देखना, सुनना और बोलना, खाना पीना, इन चार रसों से अगर कोई योगी स्वयं को पूरी तरह मुक्त कर लेता है तो समझ लें योग के सब्जेक्ट में उसके कदम तीव्रता से आगे बढ़ने लगते हैं। और जो विभिन्न आसक्तियों में रत हैं, उनका बुद्धि योग तो चाहते हुए भी ऊपर स्थिर नहीं हो पाएगा। तो चेक कर लें, हमें अनासक्त होकर योग युक्त होना है, न कि जीवन को योग से मुक्त कर देना है। योग हमारा मुख्य सब्जेक्ट है। तो आज सारा दिन हम बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे इस संसार को देखते हुए,
जैसे कि ये है नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, अब ये संसार मेरा नहीं है, तो इससे आसक्तियां समाप्त होती जाएंगी और फील करेंगे मैं बाबा के पास हूँ परम धाम में, उसके वाइब्रेशंस मुझे निरंतर मिल रहे हैं। ओम शांति।